हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू द माय चैनल हीना स्टॉक एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। सो यस, दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने ब्रश कर लिया है। हर्षल अभी तक सो रहा है क्योंकि उसको कल नाइट शिफ्ट थी, देर रात तक जग रहा था। सो आज थोड़ा लेट उठेगा, नो इश्यू, क्योंकि रात तक भी वो देर रात तक वो काम करता है। सो यस, आज के दिन में अभी इतना ही। गुड मॉर्निंग विशेष, आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हो ठीक हो, सेफ हो। अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट है XE, वो भी बुरी तरह से फैल रहा है सब जगह, गुजरात, महाराष्ट्र। सो जहाँ पर भी हो सेफ रहिए, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंस यूज़ कीजिए। नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन हो, सब कुछ बंद हो। सो यस, अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी का ख्याल रखिए, दूसरों की भी और अपनी भी। और देखते हैं कि आज के वीडियो में और क्या नया होता है। टाटा। हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी तक की बात ये है कि दोपहर को हमने लंच में आलू की सब्ज़ी, रोटी, पापड़, छाछ वो लिया था। और अभी हर्षल बाहर गया है कुछ शॉपिंग करने के लिए, पर वो क्या शॉपिंग है वो मैं आपको दो तीन बाद दिखाऊंगी, नहीं कि अभी। सरप्राइज़ है कुछ लोगों के लिए। सो मेरे वीडियो सारे लोग देखते हैं तो मैं बता नहीं सकती। सो यस, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि यार, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, हालांकि मेरे एक दो वीडियोस जो यानी कि एक वीडियो जिसमें है बेंगलोर टू सूरत, उसमें 1K अप व्यूज़ हो गए हैं और सब्सक्राइबर अभी उतने हैं नहीं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि डेली व्लॉग बस ऐसे ही बन गया, घर के बाकी भी सारे काम होते हैं, जॉब होती है, साथ में डेली व्लॉग्स भी बनाते हैं, अपनी खुशी के लिए बनाते हैं नो डाउट, बट आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं RRR मूवी देखने के लिए गई थी, तब उस दिन का वीडियो मैंने मूवी देखते देखते एडिट किया था और पोस्ट भी किया था। सोचो, एक सामने की स्क्रीन पर NTR, रामचरण, SS राजामौली सर की मूवी चल रही है और मैं यहाँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक वीडियो, अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए वो बात भी अलग है, और आपको कुछ कंटेंट देने के लिए वो बात भी अलग है। तो वैसे मैं वीडियो एडिट किया था और तब मैंने पोस्ट किया था। सो ऐसा होता है कि कोई भी काम आसान नहीं होता, कोई भी काम ऐसे बेफिजूली में नहीं हो जाता कि चलो आप पहले बैठे हो यूट्यूब चैनल बना लो। नहीं, यूट्यूब चैनल रन करना भी एक 9 to 6 की जॉब से कम नहीं है कि कंटेंट लिखो, आप वीडियो करो, टेक अच्छा ना आए। मैं तो हालांकि डेली व्लॉग कर रही हूँ तो मेरा कंटेंट विदाउट एनी फिल्टर होता है। मैं कोई ऐसे टैग वैक वगैरह दूसरी बार लेती नहीं हूँ, जो मन में आया बोलती हूँ, जो घर में किया वो बोलती हूँ, जो डेली रूटीन हमारा होता है वो बोलती हूँ। सो ये है। बट अगर कोई कंटेंट क्रिएटर की जो रील्स बनाते हैं वो है, मैं भी इंस्टा पे रील्स डाल रही हूँ, मेरा इंस्टा ID फिर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज भी दे दूँगी, वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। सो ये है कि सब कुछ करने में एक टाइम लगता है, कोई वेला नहीं बैठा है, कोई गुजराती में कहिए तो कोई नवरा नहीं बैठा, बराबर। बधाने पोत पोतानू काम छे, सबके अपने अपने काम होते हैं, सबके डेली रूटीन्स होते हैं, घर का काम होता है, जॉब होती है। और हम कोई ऐसे हाई फाई लोग भी नहीं है कि हमारे घर में 3-4 काम के लिए कोई हम काम वाले भी रख पाए, सब कुछ हम ही करते हैं, सब मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पर। तो क्या है कि सब अपने काम करते हैं, साथ में जॉब करते हैं, साथ में एक अलग से यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, बस चाहिए तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरे वीडियो से, आपके मुंह पर थोड़ी सी स्माइल आ रही है या फिर थोड़ी सी खुशी आ रही है आपके घर में, आप मेरे वीडियोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अगर आप अपने घर में, तो मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बस यही, और यही कहना था। और मैं इसी बात पे, अगर हर्षल जल्दी वापस आ जाता है लाइट में, अभी लाइट आ रही है अच्छी सी, अभी शायद अंधेरा हो जाएगा तो पता नहीं, तो मैं हर्षल का भी रिव्यू लेना चाहूँगी कि उसका क्या कहना है इस बात पर।
ठीक है। सो यस, जैसे कि मैंने कहा था कि हर्षल वापस जल्दी आ जाएगा, तो हम उनसे भी रिव्यू ले लेंगे। तो देखते हैं कि हर्षल का इसके बारे में क्या कहना है। हर्षल, थक गए? मैंने बताया है कि आप बाहर गए थे, पर आप क्या लेने गए थे वो क्या है वो हम 2-3 दिन बाद दिखाएंगे, है ना? कुछ लोगों के लिए, सॉरी, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है। सो मेरा ये कहना था कि लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे बैंगलोर टू सूरत के व्लॉग्स में आई थिंक 1600 जितने व्यूज है, और कई वुड फायर वाले पिज़्ज़ा है, वुड फायर पिज़्ज़ा वो वाले वीडियो में भी 900 से अप है, आई थिंक 850 अप तो है ही। तो बस यही कहना था कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो उतने सब्सक्राइबर्स हमको नहीं मिल रहे, और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल अब साइड में चला सकते हो, ये भी एक 9 to 6 की जॉब से कम नहीं है। कंटेंट ढूंढो, उसको एडिट करो, पोस्ट करो, सब काम लगता है। तो आपका क्या कहना है, मेहनत है ना इसमें? बहुत ही है वैसे, मतलब डेली व्लॉग इसमें ज़्यादा कंटेंट ढूंढना नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत वाला काम है कि बहुत सारा काम रहता है, एडिटिंग करना होता है, थंबनेल प्रिपेयर करना होता है, अपलोड करना कोई एप्लीकेशन में, फिर उसको एडिट करके उसमें ट्रैक चेंज करना, म्यूजिक डालना, टाइटल सोचना, कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना। और मेन बात तो है कि अगर आप डेली व्लॉग बना रहे हो तो फिर रोज़ कौन सा अच्छा सा एक आप कंटेंट लेके आ सके, जिसकी वजह से हम एंटरटेनमेंट कर सके, एंटरटेनमेंट आप लोगों को कर सके, तो वो भी इट्स नॉट एन इजी टास्क। कभी कभी बाहर गए होते हैं उस टाइम पे भी एडिटिंग करके अपलोड करना पड़ता है, नेटवर्क अगर वहाँ पे नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे के पास से नेटवर्क मांग के फिर हॉटस्पॉट के जरिए ये सब करना पड़ता है। तो और जहाँ तक बात की तुमने कि व्यूज़ अच्छे आ गए लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को जैसे हम भेजते हैं ना वीडियो की लिंक, तो वो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, अगर अभी के यंग जनरेशन की बात करें तो उसको पता होता है कैसे सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, लेकिन हमारी फैमिली में काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि हमारे वीडियोस वो डेली देखते हैं, लेकिन उसको हम अगर पूछते हैं कि आपने सब्सक्राइब किया तो बोलते हैं वो हमको मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे तुमने बताया कि व्यूज़ अच्छे आते हैं उस हिसाब से अगर सब्सक्राइब करें तो आराम से 1000 अब सब्सक्राइब हो जाएंगे, लेकिन यही चीज़ होती है कि उसको पता नहीं होता है कि सब्सक्राइब कैसे करना होता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होता है। वही है, और मेरा ये भी कहना था कि ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ मैं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही चला रही हूँ, नहीं, घर के काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, साथ में चैनल भी चला रही हूँ, तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। आई थिंक यू शुड प्रिपेयर वन वीडियो हाउ टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। यस, करेंगे, इसके बारे में भी सोचेंगे, बट बस यही है कि अगर वीडियोस एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो, अगर नहीं आता है तो बता दो किसी को, पूछो कि कैसे करना होता है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हाँ, अगर आज का वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी जरूर करो। बाय बाय, तब तक के लिए खुश रहो, खुश रहो और खुश रहवा दो।